तो जैसा कि हम ऋषिकेश में होते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे का ध्यान रखते हुए बोरिया बिस्तर बांधो और जल्द से जल्द निकलो यहाँ से। सुबह का समय होता है और हम चल देते हैं गंगा मैया के किनारे गंगा स्नान करने। और मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद में आया हूँ। पानी का भाव तो काफी तेज होता है और साथ में बहुत ठंडा भी। गंगा मैया में स्नान करके मन का भार तो उतर जाता है, मगर बारी आई पेट का भार चढ़ाने की। मुझे लगा ये मूर्ति है, मगर ये जीते जाते इंसान बिठा दिए। हाँ, तो पेट के भार की प्रक्रिया को सक्षम करके मैं देखता हूँ ये रुद्राक्ष का पेड़ जिस पर रुद्राक्ष के फल भी लगे हैं। फिर मैं ऋषिकेश की खूबसूरती को गहराई से अपनी आंखों में समाते हुए मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति रामफल नामक कोई फल बेच रहा होता है जिसका स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ आप दो चित्रण का वर्णन होते हुए देख सकते हैं। सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं चौरासी कुटिया जिसको आप बीटलेस आश्रम भी बोल सकते हैं। और ऋषिकेश की ये जगह मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगी क्योंकि ये पूरा एक आश्रम होता है जो कि अब पूरा खंडर में बदल चुका है और देखने में ये कोई हॉन्टेड जगह से कम नहीं लगता। यहाँ दूर दूर से लोग मेडिटेशन के लिए आया करते थे और ये है मेडिटेशन चेंबर। दोस्तों के साथ आने के लिए ये जगह मुझे सबसे परफेक्ट लगी। और बाकी शाम को हम हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं।